सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ चल रही है हमारी गोवर्धन के लिए जो खाना पूजेगा ना, तो वो हमारे यहाँ जो पूजता है पूरियाँ, नमक की पूरी और ये मिठी पूरी। तो ये जो है मम्मी, ये तो मम्मी जी ने बना दी थी और ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना पड़ गया था मार्केट, और मार्केट में मेरे लग गए 2 घंटे, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया आज मार्केट में। तो खैर मम्मी जी ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया था, गोवर्धन भी बना दिया था उधर और पूरियाँ भी बना दी थी, तो मुझे नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं घर जाके मेरी रेल बन जाएगी, फटाफट मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, पर मेरा काम थोड़ा आसान मम्मी जी ने कर दिया था। तो मार्केट में मैं आज गए अपने भतीजों की शॉपिंग करने गई थी, उनके कपड़े लेने गई थी। गई थी तो मैं पहले भी, लेकिन मुझे कपड़े पसंद नहीं आए थे, तो आज फिर मैं दोबारा से गई थी, तो आज फाइनली मैंने कपड़े खरीद लिए हैं उनके लिए, कल देने के लिए भैया दूज पर। तो वो कपड़े भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो पहले यहाँ पे पूरियाँ बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूरी, नमक की पूरी और मीठी पूरी यही पूछती है, सब्जी नहीं पूछती। बाकी सब्जी हम खाने के लिए बनाते हैं जरूर। हाँ अभी दिखाऊंगी, गोवर्धन भी दिखाते हैं ना। मैंने बनाया था, कैंडल, इसने सारा मोम इकट्ठा किया दीपावली का, और मुझे कहने लगी कैंडी इसका वो बनाओ, दिए में लगाओ इसे। फिर मैंने पिघलाई, सुबह इसको पिघला के इतने पत्ती लगा के इतने फूल लगा दिए। आपके सारे काम ऐसे ही हैं। मैंने पिघलाई सुबह का बात था, कल से आप ऐसे बालों को खोल के घूम रहे, क्या मूड है, मैं कटवा दूं क्या? नहीं मुझे खुले बाल नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी, सच्ची बता रही, कटवा दूंगी मैं उठा के सारे के सारे। तो देखिए दोस्तों, जो मैं कपड़े लेके आई थी वो ये कपड़े हैं। तो मेरे सबसे छोटे वाले भतीजे का है स्वेटर, तो स्वेटर बहुत प्यारा लगा था मुझे। तो दूसरे नंबर का भतीजा है उसका ये स्वेटर है। तो मैंने वूलन के कपड़ों की शॉपिंग की है, बाकी वैसे कपड़े नहीं खरीदे मैंने ठंडे, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं। ये किसका? उज्जल विराट। तो अब ये सबसे बड़े वाला जो भतीजा है मेरा, ये उसका है, ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा, सही आएंगे वैसे ये तीनों, ये मुझे लग रहा है कि सही आएंगे, मुझे लग भी मम्मा का लग रहा। तो दोस्तों ये कपड़े मैं कल भैया दूज पर देने वाली हूँ बच्चों को, जो कि बुआ की साइड से दिए जाते हैं कपड़े। तो ये वो है बच्चों के, तीनों के कपड़े खरीदे थे मैंने, अच्छा लग रहा है ये भी है ना स्वेटर, सबसे प्यारा मेरे को ये लगा, इसका डिजाइन कुछ अलग सा था, बॉक्स बॉक्स बने हुए ग्रे और वाइट। तो वो दिखा ना तुम्हारे साइज का है वो, है ना? तो वो बच्चा टप्पू के साइज का है, इधर दिखाओ ऊपर को मेरा भाई। हाँ तो ये जो मेरा थर्ड भतीजा है वो टप्पू के साथ का है, तो ये टप्पू के सही आ रहा है, तो उसके भी बिल्कुल ओके आएगा ये साइज। और ये मैंने बना दी थी, गोवर्धन जी क्या ला, पूरियां लाई पूरी लाठा, ये गोवर्धन जी जो हमारे यहाँ गोबर से बनाए जाते हैं। तब कहे अब काफी देर इंतजार के बाद अब पूजा की जाएगी, पूजा की सामग्री हमने यहाँ रख दी है, कुछ सामग्री भी ला रहे हैं। शूज नहीं है तुम्हारे पास, फीते रहते हो, शूज कर रहे हो खड़े खड़े हो, पुत्ता करा नीला पर लुच्ची करके गोदी में बैठ जा बस तू। भगवान जी को जय करो,
पहली बार खुद करा इसने, खुद करा पता चल गया भगवान कहीं या कहीं आप भी बनवाओगे ये क्या कर रहा है? देखो 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 ऐसा चढ़ा यार, जब से नहीं चढ़ा जब से आराम से देख के चल रहा हूँ। पिछली बार तो फेंक दिया था ये सारा। अच्छा पिछली बार से खा डाल फेंक दिए, बना लो। क्या बन रहे बाबू? क्या बन रहे? क्या लो मम्मी जी, लो मोमबत्ती भी थी ना यार। मैं चुट्टी चुट्टी लाई दूसरी, ला एक और चुट्टी ले। ये कौन है? ये कौन है? गम अंदर आओ, अंदर बाबू तेरे को दूर रखा। म्याऊ पे तो लाइन मारी जावे। बहन कह रही, तू क्या कह रही? बहन मगर म्याऊ बहन ने बहन समझ रखी का जो कलावा बंद क्यों क्या है? कभी वापिस बना दे, कहीं कुछ बना दे, बना जल्दी जल्दी बांध रहे हैं तो खत्म हो जाएगा हमारे घर। मैं आज म्याऊ के चक्कर में गोवर्धन को चढ़ गया, गर्दन तोड़ दिया। चल यार लाइन मार दो, बोल दो आ तो यहां जा करेंगे हम। तो म्याऊ के पास बैठेगा, बैठेगा देख लेता। म्याऊ के पास बैठते हैं बैठ जाएगी। बहुत अच्छा लगा ना, कहता है तुम कहेगी गंजू, तू कहेगा म्याऊ। तो हमारे यहाँ और ये शस्त्रों की पूजा, शस्त्र औजार, कलम ऊपर रखे। कलम ये हमारी दुकान का काम आती है, औजार कलम पढ़ाई में भी काम आती है, बच्चे पढ़ते हैं। ऊपर रखे औजार, नीचे में रखा भाई। ऊपर कहाँ? ऊपर हाँ ऊपर रख दो, थाली में दो प्लेट। नहीं थाली में क्यों आएगा? थाली में लो रखो, इनके टिक्का भी तो लगाओगे ना, औजारों पे है ना? नहीं लगा दो, जोरी तो बांध दे वो टिक्का भी तो लगा जय भी दी विदान तो पूर्ण काम होना चाहिए। तप्पू मैंने तेरी इसकी खड़ी बत्ती करी थी, नहीं गिरा थी इसकी बत्ती। चलो धूप लगेगा। उसकी फोटो खींची ना तो वो बना रहा लड़की बाबू। चलो जाने का बाबू को जाने को, अपनी पूजा
अरे बहुत मजा है यो। पूजा करो। बहुत मेहनत कर ली। इनका हाथ लगाओ, बेटा हाथ लगाओ। तू गड़बड़ ना कर देना। नहीं नहीं, ये ऋषिवांश की वो आपकी है, वो पापा जी की टुकड़ा टुकड़ा की आपकी है। आजा आजा, हम लोग फोटो ना गरम हो रही है, कपड़ा कर रहे हो और इसके तड़े गरम हो रही भाई। चलो जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता, सकल सृष्टि के कर्ता, श्रुति धर्म, ओम जय श्री विश्वकर्मा। बाबू जी पापा पार्टी दे दो। अच्छा पापा के मुंह में दे दो आमे दे दो, आमे आमे दे दो, आमे खाओ। अल्लाह वाह, चलो इसको ये रख दो। अब बाबू को ले जा, मां का छूलो पापा का। पॉपी ले, पॉपी ले, ओए भलाई थी ले। बाबा जी का माटा तो छूले हमारे यहाँ कैसे करते हैं गोवर्धन का पूजन? हमारे मेरी बड़ी मम्मी करती ताई, हमने कभी देखा। हमारे जैसे इनको इनका हमने धागा बांधा है, पता क्या है? जो घर में आमदना का स्रोत होता है ना, जिस चीज से पूजा करते हैं, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई का, जैसे कोई ऑफिस में वर्क कर रहा, तो जैसे काम चलाता है। हमारे विश्वकर्मा जयंती होती है। विश्वकर्मा जयंती नहीं, हमारे यहाँ इस पे भी होती है। विश्वकर्मा जयंती में भी होती है, इस पे भी होती है हमारे यहाँ। जैसे की बच्चे कलम, या जैसे की कोई आजकल तो कंप्यूटर पर वर्क करने के पहले तो सारा वैसे कंप्यूटर भी रखा है। हाँ, कंप्यूटर दूरी बंद है कंप्यूटर पे, और उससे मतलब जो जो करता है ना, जो जो कुछ करता है वो रखता है सामान कंप्यूटर भी रखता है। विश्वकर्मा जयंती करते हो तुम लोग? विश्वकर्मा जयंती तो लगभग जो करता है ना, ये कार्य करता है ना, ये तो इनकी तो सभी करे है। तो भंगी चमारों के दुकान में मुसलमानों के यहाँ भी फोटो मिलती है, जो मुस्लिम जो उसका काम करते हैं ना, मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह होते सब रखते हैं। चलो तो ये हुई था हमारे यहाँ विश्वकर्मा जी का पूजन। हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन विश्वकर्मा जी का पूजन भी किया जाता है, तो हमारे वही पूजन संपन्न। चल रहा माता डे नीचे उतर बैठ जा, फैल फैल गए तुम चुप रहो गंजा। अरे मैं बकेट लेकर आया ना, उसमें फ्रूटी रूटी सारी चीज है, चिप्स चॉकलेट, तो इसमें देख ली जब से कर रहा। बाहर चले आ, दीपक रख के आएंगे बाहर। ये गली के राजा है, गेट पर खड़ा कर देंगे। अंदर चले अब। चलो राजा, बस इतनी देर के थे, अब चलो अंदर। नहीं क्या वो तो डोगी आने वाला काट लेगा आपके। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो भाई, डोगी आने वाला, जल्दी भागो। तो ये आ गया लक्ष्य अपना, क्या लेके बिन्नाक है अपना, बिन्नाक लेके अपने मामा को देने के लिए। दीपक रखे हुए, आग मत लगवा लेना। पानी डालना, थोड़ी देर रेस्ट करा, जल्दी समोसे आगे।